हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। तो गाइज, जून के महीने में कौन सा स्मार्टफोन आने वाला है, तो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो गाइज, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि नया चैनल है। गाइज, वीडियो में बने रहना, आगे देखते हैं कौन सा नया स्मार्टफोन आने वाला है इस जून के महीने में। तो गाइस, पहले हम बात करते हैं सैमसंग के फ़ोन के बारे में। तो गाइस, सैमसंग 3 फ़ोन लॉन्च कर रहा है इस जून के महीने में। तो गाइस, पहला जो स्मार्टफोन है वो है ये A22, जिसका प्राइस है 15,000 से 17,000। उसके बाद आता है M22, जिसका प्राइस है 24,000 से 26,000। उसके बाद आता है F52, जिसका प्राइस है 21,000 से 24,000। सैमसंग यही 3 फ़ोन लॉन्च कर रहा है इस जून के महीने में। तो गाइज, इसके बाद आता है ओप्पो। ओप्पो का रेनो सीरीज़ भी आ रहा है इस जून के महीने में। तो गाइज, उसके बारे में मैं कुछ भी क्लियरली नहीं बता सकता। तो गाइज, उसके बाद आता है वन प्लस का, वन प्लस नॉर्ड CE 5G आता है। तो गाइज, उसका प्राइस रहता है 24,000 से 26,000। तो गाइज, रियलमी जो फ़ोन लेकर आ रहे हैं वो है X7 मैक्स, जिसका प्राइस आता है 24,000 से 26,000। उसके बाद रियलमी का आता है GT 5G, जिसका प्राइस आता है 30 से 33,000। वो बहुत ही बेहतरीन फ़ोन होने वाला है ये जो GT 5G। उसको भी कंपेयर करके पोको एक ला रहा है F3 GT, जिसका प्राइस है 19,000 से 21,000। पोको का और एक फ़ोन भी लॉन्च होने वाला है, वो है M3 Pro 5G, जिसका प्राइस है 15,000 से 17,000। रेडमी का 10 पावर आ सकता है गाइस, उसका प्राइस रहेगा 14,000 से 18,000 के आसपास। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।